इस साल ऑस्कर में भारत की तरफ से भेजी गई फिल्मों को लेकर मेकर्स बेहद खुश हैं। चारों ओर सोशल मीडिया पर इसकी ही चर्चाएं चल रही हैं। वहीं तेलुगु फिल्म RRR और हिंदी फिल्म द कश्मीर फाइल्स जैसे फिल्मों को पीछे छोड़कर गुजराती फिल्म छेलो शो ने एक नया इतिहास रच दिया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डायरेक्टर पान नलिन की गुजराती फिल्म छेलो शो को इस साल भारत की तरफ से ऑस्कर अवार्ड 2023 में ऑफिशियली एंट्री दे दी गई है। ये फिल्म आने वाले एरा की एक ऐसी कहानी पर बेस्ड है जो एक 9 साल के छोटे से बच्चे के इर्द गिर्द घूमती है, जिस लड़के का सिनेमा से गहरा नाता है। फिल्म की कहानी दिखाती है कि एक छोटा सा लड़का गर्मी के वक्त प्रोजेक्शन बूथ से फिल्म देखने में अपना पूरा समय बिताता है। इस वक्त सोशल मीडिया पर ये फिल्म छाई हुई है। वही अब इसको लेकर मेकर्स और स्टार भी अपना रिएक्शन दे रहे हैं। निर्देशक पान नलिन की इस फिल्म को भाविन रबाड़ी, भावेश श्रीमाली, रिचा मीना, दीपेन रावल व परेश मेहता अहम किरदार में नजर आ रहे हैं। वहीं ये फिल्म एक छोटे से लड़के के सिल्वर स्क्रीन पर सपनों की कहानी कहती है। लास्ट फिल्म शो का बीते साल अक्टूबर वाला डॉलीड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का गोल्ड स्पाइक अवार्ड मिल चुका है। वही फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर इस खुशी की वजह से फूले नहीं समा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या ये फिल्म अपनी कैटेगरी में अवार्ड जीत पाएगी या नहीं। आपको क्या लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े सभी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा चैनल मीडिया दरबार एंटरटेनमेंट। धन्यवाद।